13 दिसंबर 1937 का दिन चाइनीज लोग अभी तक नहीं भूले। आज भी इस दिन को चाइना में एक यादगार दिन के तौर पर मनाया जाता है। नैनकिंग मसैकर को तारीख के चंद इंतहाई खौफनाक और डरावने दिनों में से एक तसव्वुर किया जाता है। चाइना में सिर्फ एक दिन में 3 लाख लोगों को कत्ल कर दिया गया था। सेकेंड सिनो जैपनीज वार के बारे में तो बहुत से लोगों ने सुन रखा होगा, मगर इस जंग के दौरान जुल्म की जो दास्तानें रकम की गईं, वो आज भी दिल दहला देती हैं। नैनकिंग मसैकर, जिसको रेप ऑफ नैनकिंग भी कहा जाता है, जंगी अजीम दोम के दौरान होने वाले चंद भयानक दिनों में से एक था। नैनकिंग, जो इस वक्त नेशनलिस्ट चाइना का कैपिटल था, जंग से मुतासिर तो हुआ था, मगर अभी तक यहाँ पर कोई डायरेक्ट फौजी अटैक नहीं हुआ था। जापानी फौज इस वक्त मुकम्मल तौर पर चाइना पर हावी हो चुकी थी। चाइना के कई इलाकों में इनका कंट्रोल मौजूद था। शंघाई में एक बड़े कत्लेआम के बाद जापानी फौज ने जैसे ही नैनकिंग की तरफ बढ़ना शुरू किया, तो चियांग काई, जो इस वक्त नेशनलिस्ट लीडर के तौर पर यहाँ काम कर रहा था, इसने तमाम चाइनीज फौज को वहां से चले जाने का हुक्मनामा जारी कर दिया। टेंग शेंगजाई, जो इस दौरान एक मिलिट्री कमांडर था, इसने हथियार डालने की बजाय लड़ने का फैसला किया। 1 लाख की फौज को इकट्ठा करके इसने जापानीज फौज से मुकाबला करने का फैसला किया, मगर ये सारी फौज इंतहाई अनट्रेंड और काफी डरी हुई थी। इस पूरे मामले में अगर किसी का किरदार निहायत मस्बत था, तो वो था जॉन रैबी का किरदार। ये एक जर्मन नेशनलिस्ट था, जिसने जापानीज आर्मी को टेलीग्राम के जरिए ये लिखा कि चाइनीज फौज ये इलाका छोड़ देना चाहती है, इसलिए इन्हें 3 दिन का वक्त दिया जाए। मगर तब तक हालात इस कदर बिगड़ चुके थे कि जापानीज फौज किसी सूरत भी रुकने को तैयार नहीं थी। शंघाई में एक बड़े कत्लेआम के बाद जापानीज फौज कैपिटल सिटी को हर सूरत हासिल करना चाहती थी। कहा जाता है कि जब जापानीज फौज नैनकियांग शहर में दाखिल हुई, तो आम ऐलान कर दिया गया कि तमाम लोग सरेंडर कर दें, वरना इस इलाके को जबरदस्ती खाली करा लिया जाएगा। डेडलाइन खत्म होने तक जब चाइनीज फौज ने सरेंडर ना किया, तो जनरल इवाने मटसुई ने आम कत्लेआम का ऐलान कर दिया, जिसके बाद तकरीबन 6 हफ्तों तक पूरे नैनकियांग शहर में खून की नदियां बहा दी गईं। मरीखीन लिखते हैं कि सिर्फ एक दिन में 3 लाख लोगों को कत्ल कर दिया गया था। मरने वालों में आम लोग, औरतें, बूढ़े और बच्चे शामिल थे। चाइना में आज भी 13 दिसंबर को यह दिन एक यादगार दिन के तौर पर मनाया जाता है। अगर हमारी ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो इसको लाइक ज़रूर कर दें और हमारे चैनल मालूमाती फैक्ट टीवी को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको आसानी मिलती रहें।